सो ही हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है यार सभी के। होप सभी बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहेंगे। स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि गाइस, आज से कुछ टाइम पहले ही हमारी गेम में यार इस तरह की पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिली थी, जिसमें यार बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स देखने को मिले थे। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड आप लोगों को बहुत कम डायमंड में भी देखने को मिले थे। हाँ गाइस, मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन यार क्या आप लोगों को पता है कि इस तरह की पिंक डायमंड की स्टोर दोबारा से गेम में देखने को मिलने वाली है। क्यों हिला डाला ना? तो यस गाइस, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही फनी चीजों के बारे में जो हमारी गेम में जल्दी आने वाली है। यार काफी फनी चीजें, आप लोग जरूर देखना, आप लोग सच में बहुत ज्यादा हंसोगे उनको देखकर। अच्छा तो चलो गाइस, बिना देर की आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को फनी चीज ही दिखाती हूँ। गाइस, हमारी गेम में ना एक नई M10 की गन स्किन आने वाली है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यार ये डॉगी जो आप लोगों को इसके हाथ में दिखाई दे रहा है ना, यार ये हमारी M10 की गन स्किन है। ये क्या बात करते हैं यार। सो सही में गाइस, यार ये हमारी गन स्किन है यार M10 की। आप लोग इसके एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हो, इसका लुक यार बहुत ही ज्यादा फनी मेरे को लग रहा है यार। पूरा डॉगी बना दिया करीना वालों ने। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इसकी एक खास बात ये भी रहेगी कि आप लोग जब भी इससे फायर करोगे ना, तो यार इसकी फायर इफेक्ट में एक आवाज आएगी डॉगी वाली। मतलब जैसे हम इससे फायर करेंगे ना, तो बिल्कुल डॉगी जैसे बार्क करता है ना, सेम वैसी आवाज इसकी आप लोगों को सुनाई देगी। तो आप लोग इसकी आवाज सुनो एक बार। मुझे बहुत ज्यादा फनी ये लगा है। मतलब यार गरीना वाले तो लगता है पूरा चिड़िया घर बना के छोड़ेंगे हमारी गेम को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बाकी गाइस सर, अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारी वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि ये पिंक डायमंड स्टोर आप लोगों को कब देखने को मिलेगी। तो गाइस, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो पिंक डायमंड स्टोर है आप लोगों को हमारे बुईया इवेंट के टाइम पर देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक क्लिप भी निकल कर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप लोग देख सकते हो जितनी भी आइटम्स है पिंक डायमंड स्टोर के अंदर, वो सारी हमारी बुईया की थीम पर ही रहने वाली है। एंड गाइस, अगर पिंक डायमंड स्टोर आएगी तो आप लोगों को बुईया के टाइम पर ही देखने को मिलेगी, यानी कि जब हमारा बुईया इवेंट हमारी गेम में आएगा तब आप लोगों को देखने को मिल सकती है, या फिर आप लोगों को हमारी गेम के अगले अपडेट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि यार ये जो पिंक डायमंड स्टोर है ये ग्लोबल मतलब इवेंट रहता है, मतलब ये अगर आएगी तो सभी सर्वर के अंदर आएगी, नहीं आएगी तो किसी में भी नहीं आएगी। तो इसलिए गाइस सर, वही इवेंट के अंदर आने के इसके सबसे ज्यादा चांस बताए जा रहे हैं। बाकी मैं इसका पूरा 100% कंफर्म आपको कुछ भी नहीं कह सकती हूं अभी, क्योंकि यार ये सिर्फ अभी लीक्स है कि ये दोबारा से गेम में आएगी। पूरा भी कंफर्म किसी को नहीं पता है कि आएगी या नहीं आएगी, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को कंफर्म नहीं बताऊंगी पूरा कि यार आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि खुद मुझे भी नहीं पता है कि अभी आएगी या नहीं आएगी। ओके, अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को वही इवेंट के टाइम पर ही देखने को मिल सकती है, वरना आप लोगों को अपडेट के बाद सीधा देखने को मिल सकती है। ओके, अभी पूरा कंफर्म मेरे को नहीं कुछ पता चला है, ना ही इसकी कोई डेट वगैरह अभी निकल कर आई है, ना ही अभी वही इवेंट का कैलेंडर निकल कर आया है जो मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूं। ठीक है तो अभी के लिए इतना ही कह सकते हैं कि ये बुईया इवेंट के टाइम पर ही आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर आ गई बुईया के टाइम पर तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर सह लेंगे थोड़ा सा। एंड बाय द वे, मुझे लगता है कि दे देना चाहिए गरीना को, क्योंकि यार गरीना का भी फायदा है इसमें और हमारा भी फायदा है, क्योंकि यार इसकी वजह से प्लेयर्स काफी ज्यादा गेम खेलते हैं। वैसे तो गेम खेलने का इतना मन नहीं करता, लेकिन मिशन कम्प्लीट करने के लिए तो गेम सब खेल ही लेते हैं, मजदूरी कर ही लेते हैं। मस्त प्लान है। तो गाइस, अभी के लिए इसका 50-50 है। आगे कुछ मुझे कंफर्म पता चलेगा तो मैं पक्का आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगी, आप लोग टेंशन मत लो। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक्स की तरफ। तो यहाँ पर देखो गाइस, हमारे गेम में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है एक डॉगी वाला बंडल। मतलब यार गरीना वाले गेम को चिड़िया घर बनाने में तो लगे ही हुए हैं। तो गाइस यार, ये बंडल भी गेम में आने वाला है यार, डॉगी जैसा बंडल है। मतलब यार इसका टॉप बॉटम तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर ये जो ठोपड़ा लगा दिया ना, कुत्ते का काम पूरा बिगाड़ दिया गरीना वालों ने। तो गाइस यार, ये बंडल हमारी गेम में जल्दी आने वाला है। एंड ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शिब्बा पेट की थीम पर बेस्ड एक पूरा इवेंट आने वाला है, उसकी थीम की ये सारी आइटम्स रहेंगी। जो मैंने गन स्किन दिखाई है वो भी उसी थीम पर रहने वाली है। बाकी बैकपैक वगैरह मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ग्लोबल की स्किन भी देख सकते हो। तो ग्लोबल देखो यार, क्या ही प्यारी वैसे लग रही है। एंड गाइस, इसका पूरा वेब इवेंट हमारी गेम में अगले महीने आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एंड गाइस मतलब क्या ही बोले, एक और चीज आप लोगों को दिखाती हूँ कि गाइस, आप लोगों ने यार आज तक बैल गाड़ी देखी होगी, आज तक घोड़ा गाड़ी देखी होगी, लेकिन गाइस आप लोगों ने आज तक कुत्ता गाड़ी कभी नहीं देखी होगी, लेकिन गरीना वालों ने उसका भी आविष्कार कर दिया। आप लोग देख सकते हो हमारी गरीना की बनाई हुई कुत्ता गाड़ी। भाई सब क्या बना दिया गरीना वालों ने इस इमोट को। मैंने जब ये इमोट फर्स्ट टाइम देखा ना, मुझे बहुत हंसी आई थी। मतलब यार पता नहीं क्या दिमाग लगाया गरीना वालों ने, अलग ही लेवल का दिमाग है इन लोगों का। एंड गाइस, इमोट से याद आया कि हमारी गेम में यार एक और नया इमोट आने वाला है बहुत जल्दी। ये इमोट आप लोगों को यार नेक्स्ट मंथ ही देखने को, या फिर कभी भी आप लोगों को इमोट गेम में नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये इमोट आप लोग देख सकते हो यार, इस तरह से ये हाथ में थालियां लेकर चल रहा है। एंड इस इमोट की यार एक वॉइस रहेगी, आप लोग इसकी वॉइस सुनो पहले। Thank you.
तो ठीक है गाइस, इस तरह की इसकी वॉइस आएगी। एंड ये गाइस हमारा एक रनिंग इमोट रहने वाला है, लाइक इस इमोट को आप लोग चलते चलते कर पाओगे। जैसे हमारा मनी हीस्ट का इमोट नहीं आया था, सॉरी हमारा रेड क्रिमिनल जब आया था उसके साथ इमोट देखने को मिला था टोकन टावर में, तो बिल्कुल वैसा ही गाइस ये इमोट भी रहने वाला है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता देना। ओके ओके। एंड इसी के अलावा गाइस लास्ट में बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, जो कि यार हमारी थॉमसन गन का रहने वाला है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले शायद आप लोगों को बंडल का देखने को मिलेगा, बंडल का मैं आप लोगों को कल दिखा दूंगी। एंड ये वाला आप लोग देख लो, ये भी हमारा इनक्यूबेटर में आएगा, कन्फर्म है। तो ये हमारा थॉमसन गन का रहेगा। आप लोग सभी गन का लुक देख सकते हो, लुक काफी अच्छा है, बिल्कुल रैंपेज वाली जो गन आई थी ना थॉमसन की, उसके जैसे इसका लुक लग रहा है। एंड बाकी इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, साइड पर लिखे हुए हैं। आप लोगों को इनमें से कौन सी गन अच्छी लग रही है, अगर आएगी तो निकालोगे या नहीं निकालोगे वो अलग बात है। मुझे पता है ज्यादातर लोग वाउचर से स्पिन मारेंगे, अगर किस्मत से निकल गई तो निकल गई, नहीं निकली तो नहीं सही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसलिए गाइस लास्ट वाली ध्यान से देख लो, कि आप पता किस्मत से वाउचर पर स्पिन करते वक्त आपकी निकल ही जाए फ्री में। तो ये देख लो आप लोग लास्ट वाली गन स्किन इस तरह की रहेगी ब्लू कलर में। तो यही हमारा इनक्यूबेटर रहेगा थॉमसन वाला। ओके ओके। सो ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड आप लोग इस वीडियो के शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हो। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना। और गाइस अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी अपने पैर पर हाथों से ऑन कर देना। तो फिर मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।